बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। रमज़ान बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला हमें इफ्तारी में इतना कुछ दे देता है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो आज भी हम आपके लिए पकौड़ों की रेसिपी लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल में। आज हम इफ्तारी में जो है ना पकौड़े बनाएँगे। तो आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और आपको बताते हैं कि पकौड़े कैसे बनते हैं और कैसे बनाने चाहिए रमज़ान में स्पेशल, क्योंकि इसमें आपने आटा ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ डालें, क्योंकि आप खाली पेट भी होते हैं जिसकी वजह से आपके लिए जो है ना नुकसानदेह हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये प्याज के पत्ते हैं, इनको हम बारीक बारीक करके काट देते हैं। और उसके बाद ये ले लेते हैं पालक, ये आलू ले लेते हैं हम, उसके बाद हम ले लेंगे प्याज, उसके बाद ये हम गोभी ले लेंगे, इसको भी जो है ना थोड़ा बारीक बारीक करके काट लेते हैं। अब इसमें हम मसाला और बेसन ऐड कर दें। ये देखें, सिर्फ एक कप हमने बेसन लिया, ज़्यादा नहीं। ये मसाला है, इसमें हमने खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, अनारदाना और अजवाइन, ये चीज़ें शामिल किए। पकौड़े का मसाला हमने पहले से तैयार करके बना के रखा हुआ है रमज़ान के लिए, और थोड़ा सा इसमें हमने खुश्क पुदीना भी डाला हुआ है। देखें, इसमें हमने सब्जियों की मकदार ज्यादा रखी है, आटा कम। इसके जब पकौड़े बनेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है पकौड़ों का। यहाँ हल्की हल्की बारिश भी हुई है। आपके अपने शहर के बारे में बताएं, आपके यहाँ बारिश हुई है कि नहीं? आज तो रोज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है, मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडा है। आप अपने शहर के बारे में बताएं कैसा है मौसम वहाँ का। बेसन हमेशा कम रखा करें, जिसकी वजह से पकौड़े अंदर से सही तरह से पक भी जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं, खासकर रमज़ान में। फिर आपके लिए कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि बेसन जब कच्चा रह जाता है तो उसकी वजह से आपके पेट में भी जो है ना तकलीफ़ होती है, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में आप खाली पेट होते हैं। इसकी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ डालें और बेसन बहुत ही कम रखें। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं,
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, देखें कितने क्रिस्पी और खस्ता पकौड़े हैं। अब इसे हम टेस्ट करते हैं, देखें ज़बरदस्त किस्म के। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। शुक्रिया।